हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक पेटीएम बीसी एजेंट आईडी में कितने सब एजेंट ऐड कर सकते हैं। आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस सर्च करके देख ली होंगी, पर आपको ये वीडियो नहीं मिली होगी। तो मैं इस टॉपिक पर आज वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप एक पेटीएम बीसी एजेंट आईडी में कितने सब एजेंट ऐड कर सकते हैं और सब एजेंट का क्या काम होता है। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पेटीएम का एटीएम एजेंट एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। और मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मैनेज सब एजेंट का ऑप्शन आ जाता है। और मैं इस पर टैप करता हूँ तो मैनेज सब एजेंट के अंदर यहाँ पर मुझे जो सब एजेंट ऐड हैं वो यहाँ पर शो होने लगते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सब एजेंट का क्या कार्य होता है। दोस्तों, सब एजेंट का कार्य ये होता है कि अगर आपकी शॉप पर कोई अदर बंदे काम करते हैं, तो जब आप अपनी शॉप पर नहीं होंगे और कोई कस्टमर जब केवाईसी करवाने के लिए आता है, तो अगर वहाँ पर आप उपस्थित नहीं होंगे तो कोई दूसरा बंदा जिसे आप सब एजेंट के रूप में ऐड कर देंगे, तो वो आपके ना होने पर भी वहाँ पर केवाईसी कर सकता है। तो ये होता है दोस्तों सब एजेंट का कार्य। और अब बात ये आती है कि आप अपने बीसी एजेंट आईडी में कितने सब एजेंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप केवल दो सब एजेंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख लीजिए, मैंने यहाँ पर इन तीन सब एजेंट को ऐड किया था, लेकिन तीनों ने यहाँ पर ट्रेनिंग कॉल पास किया। पहले प्रेम शर्मा ने किया, फिर अभिषेक सिंगल, और उसके बाद कृष्णा देवी ने। तो ये दोनों बंदे तो वेरीफाइड हो गए, लेकिन कृष्णा देवी वाला जो सब एजेंट है वो वेरीफाइड नहीं हो पाया और यहाँ पर फुल्ली यानी सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो पाया। सबमिटेड तो हो गया लेकिन वेरीफाइड नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये दोनों तो बंदे केवाईसी कर रहे हैं, लेकिन ये कृष्णा देवी वाला वेरीफाइड ना होने की वजह से लॉगिन भी नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपके में ये प्रॉब्लम आ रही है सबमिटेड वाली, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों, अगर आपके में दो से अधिक जो बंदे ऐड होंगे वहाँ पर ये सबमिटेड वाला ऑप्शन शो होगा दोस्तों। तो 4.1.0 में अब सब एजेंट ऐड भी नहीं होते, ना ही रिमूव होते हैं दोस्तों। इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, रिमूव जो प्रोसेस है उस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। और मैं इस वीडियो को आपको बताना चाहता था दोस्तों, दो ही सब एजेंट यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। और मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।